खूबसूरत हार है ये। शुक्रिया जहांपनाह, कितना बेशकीमती होगा ये। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। हमें खुशी है कि यह आपको पसंद आया। हमने इसे खास आपके लिए सबसे बेहतरीन कारीगरों से बनवाया है। ओह, मुझे तो इससे प्यार हो गया। मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हम जब भी इसे आप पर देखेंगे तो हमें आपका प्यार नजर आएगा। हम इसे कभी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देंगे। सोने से पहले मैंने इसे यहीं रखा था, तो फिर गया कहाँ? कोई है? क्या हुकुम है रानी साहिबा? हमें लगता है हमारा हार कहीं खो गया है। उसे ढूंढने में हमारी मदद करो। आप परेशान ना हो रानी साहिबा, मुझे यकीन है आपका हार जरूर मिल जाएगा। आप आज कोई दूसरा हार पहन लीजिए, आपके पास तो कई हैं। नहीं नहीं, हम कोई और हार नहीं पहन सकते। वो बेशकीमती हार हमें जहांपनाह ने दिया था, वो उन्हें बहुत प्यारा है। हम उन्हें मायूस नहीं कर सकते, हमें उसे ढूंढना ही होगा। अब हम क्या करें? ओह, उफ, उफ, जहांपनाह? क्या बात है महारानी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? हम बेहद शर्मिंदा हैं। आप मायूस होंगे, हम आपके तोहफे की हिफाजत नहीं कर पाए। हार कहीं खो गया है। खो गया है? क्या मतलब खो गया है? क्या आपने ठीक से देखा? आपने इसे कहीं बाहर तो नहीं गिरा दिया? रात में हमने यही उतारा था और उसके बाद हम बाहर भी नहीं गए, तो उसे यही होना चाहिए। लेकिन हार अब यहाँ नहीं है। हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। एक मामूली से हार के खो जाने पर आप यूं दिल छोटा ना करें महारानी। हम आपको दूसरा ला देंगे और हम ये वादा करते हैं कि इसे भी ढूंढ लेंगे। आप आज रात हमारे कमरे में आराम करें, कल सुबह तक आपको हार मिल जाएगा। सिपाही, जी जहांपनाह, दूसरे सिपाहियों को लेकर जाओ और महारानी की दासी से कहो कि हार को ढूंढने के लिए कमरे का कोना कोना तलाश करे। हमें वो हार हर हाल में चाहिए। जैसी आपकी मर्जी जहांपनाह। जैसे जहांपनाह, कहो कहां है हार, लाओ उसे हमें दो। गुस्ताखी माफ हो हजूर, हमने सारे कमरे की तलाशी ली पर हमें वो हार नहीं मिला। क्या मतलब हार नहीं मिला? महारानी ने कल रात वो हार वहीं रखा था, तो फिर कहां गया? जैसे जहांपनाह, लगता है हार चोरी हो गया है। चोरी? किसकी हिम्मत है महारानी का हार चुराने की? जहांपनाह, महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरियां हो चुकी हैं। महल के पहरेदारों ने छानबीन की पर आज तक कामयाब नहीं हुए। महल में चोरियां, छानबीन? इसके बारे में हमें क्यों नहीं खबर की गई? हम आज रात ही इसका पता लगाएंगे। हम महारानी को सुबह मायूस नहीं देखना चाहते। फौरन बीरबल को बुलाया जाए। अब सिर्फ वही इस मामले को सुलझा सकते हैं। आदाब जहांपनाह। बीरबल, आपको आज रात एक खास मामला सुलझाना है। आपको महारानी का हार तलाश करना होगा। जहांपनाह, महारानी का हार? हाँ, हुआ यूं कि अच्छा, तो ये मामला है। बीरबल,
मेरे मित्र, आपको इसे आज रात ही सुलझाना है। जहांपनाह, एक बात तो तय है कि हार चोरी ही हुआ है, वरना इतनी बार कमरे में ढूंढने पर जरूर मिल जाता। और चोर रात में कमरे के पास मौजूद सिपाही या फिर दासियों में से कोई होगा। जहांपनाह, कल रात वहां तैनात सिपाहियों और दासियों को महारानी के कमरे में बुलवाइए। मैं कुछ देर में हाजिर होता हूँ। मैं अपने एक मित्र को लाने जा रहा हूँ जो चोर को पकड़ने में हमारी मदद करेगा। महारानी के कमरे में क्यों, और कौन सा मित्र? तुम क्यों जाना चाहते हो? हम किसी के हाथों तुम्हारे मित्र को पैगाम भेज देते हैं। जहांपनाह, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मुझे खुद ही जाना पड़ेगा मेरे मित्र को लाने, क्योंकि उसके पास जादुई शक्तियां हैं जो चोर को ढूंढने में हमारी मदद करेंगी। अब तो हम भी आपके मित्र से मिलने को बेताब हैं बीरबल। मैं अभी हाजिर हुआ जहांपनाह। अरे लाइन में क्या बात? परेशान कर दिया। अरे हमें भी सुधा मिले। छोटी पता नहीं क्या हो गया। हमें यहाँ क्यों बुलाया? लाइन में लगा के। लाइन में क्या बात? अरे बीरबल, ये क्या तमाशा है? हमने सोचा था कि आप अपने दोस्त को लाएंगे, फिर आप इस गधे को क्यों लाए यहां? जहांपनाह, यही मेरा मित्र है और ये जादुई ताकतों का मालिक है। ये चोर को पकड़ने में हमारी मदद करेगा। मुझे कुछ समय दीजिए। ठीक है, पर जरा जल्दी करें। जैसी आपकी मर्जी हुजूर। जहांपनाह, जैसा कि मैंने कहा कि मेरा मित्र जादुई शक्तियों के जरिए चोर का पता लगाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सभी लोग बारी बारी अंदर जाए और मेरे मित्र की पूंछ पकड़कर कहे कि मैंने हार नहीं चुराया, अब वापस आ जाए। जैसे ही सभी ऐसा कर लेंगे, मैं अंदर जाकर अपने मित्र से पूछूंगा और वो मुझे बताएगा कि चोर कौन है। बीरबल, हम ये जानने को बेचैन हैं, पर हमें ताज्जुब है कि आप अपने मित्र से कैसे बात करेंगे। अगर आपका दोस्त सचमुच चोर का पता बता सकता है तो समय बर्बाद मत कीजिए, जल्दी कीजिए। जाइए, पर याद रहे, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तुम्हें गधे की पूंछ पकड़कर कहना है मैंने हार नहीं चुराया। मैंने हार नहीं चुराया। जहांपनाह, माफ करें, अब मुझे मेरे मित्र से बात करनी पड़ेगी। जरूर। जहांपनाह, मुझे इन सबके हाथ जांचने होंगे। जरूर, जल्दी करें। जहांपनाह, ये रहा आपका चोर। क्या वो यही है बीरबल? ये आप कैसे कह सकते हैं? इस पर तो कोई निशान भी नहीं है। जहांपनाह, मैंने आपकी बरसों सेवा की है। मैं कोई चोर नहीं हूँ। इस गधे की गवाही कुछ साबित नहीं करती। और फिर बीरबल गधे की जबान कैसे समझ सकते हैं? हाँ बीरबल, आप ये कैसे कह सकते हैं? जहांपनाह, मैंने गधे की पूंछ में खास इत्र लगा दिया था, इसी वजह से मैंने सभी से गधे की पूंछ पकड़कर बोलने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि चोर पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ को हाथ नहीं लगाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने सभी के हाथों की जांच की, सभी के हाथों से वही खुशबू आ रही है।
सिर्फ इसे छोड़कर, क्योंकि राज खुले जाने के डर से इसने गधे की पूंछ पकड़ी ही नहीं। झापना, गधा मेरे धोबी का है और उसमें कोई जादुई शक्ति नहीं है। तुम एहसान फरामोश हो। महल में चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे भरोसे को तुमने खाक में मिला दिया है। मुझे माफ कर दे झापना, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझ पर रहम करे, मैं चोरी की सारी चीजें वापस कर दूंगा। मुझे सिर्फ एक मौका और दे दे झापना। अब तुम भरोसे के काबिल नहीं, तुम्हें हरगिज माफी नहीं मिलेगी। सिपाहियों, इससे चोरी की सारी चीजें बरामद कर इसे काल कोठरी में डाल दो। आप सबको जो परेशानी हुई उसका हमें अफसोस है। जाइए, अपना अपना काम कीजिए। बीरबल, एक बार फिर तुम्हारी होशियारी ने चोर को पकड़ने में मदद की और महारानी का बेशकीमती हार हमें वापस मिल गया, यकीनन तुम्हारे जादुई दोस्त की मदद से। शुक्रिया बीरबल, शुक्रिया। शुक्रिया जहांपना, शुक्रिया। Oh.